GTH News, आपकी ताकत। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल दुधेश्वर नाथ मंदिर को समर्पित कर दिए हैं अपने पूर्ण परिवार के साथ। तो आइए जानते हैं उनसे कि उन्हें क्या प्रेरणा इस मंदिर की ओर खींच के लेके आई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष श्री धर्मपाल जी और उनके धर्म पत्नी श्री गिन्नी देवी जी। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपको इस मंदिर से जुड़े हुए कितने साल हो गए? मुझे हमारे परिवार को इस मंदिर से कम 50 साल जुड़े हुए हो गए। आपको क्या किस तरीके से प्रेरणा मिली कि इस मंदिर से जुड़ने? यहाँ हम आते थे तो सावन में देखते थे कि बहुत भीड़ होती है और उससे भीड़ से बहुत परेशान होते थे। यहाँ कांवड़िए आते थे कांवड़ लेके तो बड़ी परेशानी होती थी। मुझसे बड़े वाले भाई जो थे वो अक्सर कहा करते थे महाराज जी को, महाराज जी मंदिर बहुत छोटा है, इसको ज़रा बड़ा करवाएं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनके होते हुए शुरू नहीं हो सका, लेकिन वो हमारा पूरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ था। हमारा एक संयुक्त परिवार है जो 50 मेंबरों का परिवार। आपको इस मंदिर की सबसे अद्भुत चीज़ क्या लगती है? हमें आते हुए 50 साल हो गए और यहाँ आने पे जब भी कोई टेंशन होती है यहाँ आते हैं हम तो 2 मिनट यहाँ आने के बाद हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो आपको और आपके परिवार को शिवाजी महाराज के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का मौका मिला, तो आप कैसा महसूस करते? ये तो दुधेश्वर नाथ बाबा की हमारे ऊपर हमारे परिवार पे कृपा है जो इतने सालों के बाद हमारे परिवार को उन्होंने सेवा के लिए चुना। और आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि आपके पति को इस चीज़ का मौका मिला है? मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इसके पीछे कोई और कोई प्रेरणा थी या फिर सब बस यही? यहाँ आते थे हम और हमारा यानी कि यहाँ आने के बाद हर कष्ट हमें ऐसा लगता था कि हमारा ख़त्म हो गया। कोई भी किसी दिन कष्ट हुआ हम आ गए तो उसके बाद हमको इतनी शांति मिलती थी, चाहे बाबा के दर्शन किए या नहीं किए, मंदिर परिसर में पैर रखा हमारा कष्ट दूर हो गया। हमें इसीलिए ये था कि कुछ करें बस। तो जैसे कि ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है, आपकी भी प्रोफेशनल लाइफ है और आपकी निजी ज़िंदगी भी है और आप इस मंदिर की सेवा में भी पूर्ण रूप से हैं, तो आप बताइए किस तरीके से मैनेज कर? बस बाबा को बोल देते हैं, बाबा सारा इंतजाम अपने आप कर देते हैं। और आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? बस मेरा तो यही हिसाब है, मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, कई बार बैठे बैठे मन आता है कि चलो बाबा के दर्शन करने। वहाँ से ऑफिस से मेरा सुंदर नगर दिल्ली में ऑफिस है, वहाँ से मैं उठ के बाबा के दर्शन करने आ जाता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप इन सभी मतलब मंदिर सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, वो सिर्फ घर में जाती है, हाथ जोड़ लिया, हो गया, चलो। तो आप इसमें क्या राय देना चाहेंगे? ऐसा है ना, देखिए हर एज है, हर चीज़ की एज है। युवा की अभी एज जो है वो एन्जॉयमेंट की है तो वो एंजॉय कर रही है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वो भी इधर अट्रैक्ट होगा। नहीं, लेकिन जो पुराने ज़माने में होता था बच्चे भी मंदिर जाया करते थे सबके साथ। ऐसा नहीं, अभी भी होता है, अभी देखिए आप कितने यंगेस्ट खड़े हैं। लेकिन जो हमारी उम्र के लोग हैं वो पार्टीज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, मंदिर में। कह रहा हूं ना कि उनकी एज है, हो सकता उस एज में हम भी ऐसे ही रहे हों। नहीं, फिर भी वो भगवान को तो मानते हैं, एक मिनट भी पूजा करते हैं, वो दिल से करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि जैसे कि आजकल श्रद्धा भाव थोड़ा कम हो गया है, लोग अपनी ज़िंदगी में मग्न हैं, लेकिन जो और क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, तो आपको लगता है इन सब चीज़ों का कुछ ताल्लुक होगा? नहीं होना, देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा होता है कि आदमी जब नया चीज़ आती है, पश्चिमी सभ्यता आई, आदमी भागा उसकी तरफ, अब उसके ड्रॉबैक्स जब सामने आ रहे हैं तो वापिस अपनी सभ्यता की तरफ लौट रहा है। तो हर चीज़ का होता है, जब कोई नई चीज़ आती है तो अट्रैक्शन उसकी तरफ होता है। सेम। अच्छा, आखिरी सवाल, आप दोनों के लिए श्रद्धा क्या है? मतलब जो नहीं, ये जो मंदिर में जो आप श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा से यहाँ आते हैं, आपके लिए वो श्रद्धा क्या है? आप हमारे जो लोग हैं उनको क्या बताना चाहेंगे इन सब चीज़ों? देखिए ये तो एक ऐसा है, जब भगवान ने हमको दिया है
तो उससे कुछ हमें सामाजिक कार्यों में भी लगाना चाहिए, ये नहीं कि वो सिर्फ हमारे लिए दिया, पता नहीं किस एंगल से हमको भगवान दे रहा है, तो उसको हमें कुछ थोड़ा सा सामाजिक कार्यों में भी देखना चाहिए। अच्छा, तो ये मंदिर, इसमें इसके काफ़ी चमत्कारी किस्से हमने सुने हैं, तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है उन किस्सों को? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना कि हम जब भी कष्ट होता कोई यहाँ आ जाते हैं, परिसर में पैर रखा और हमारा कष्ट दूर हुआ, ऐसा ही सेम। तो धन्यवाद आप दोनों का कि आप हमसे जुड़े। हाँ, हमारी तो कामना है कि GTH खूब तरक्की करे, यही हमारी मनोकामना, यही दूतेश्वरनाथ बाबा से हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।